वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रुपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको दोस्तों जियो के नेटवर्क के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों जियो का नेटवर्क कुछ लोगों के मतलब पास ही के लोग रहते हैं उनके मोबाइल में अच्छा जियो चलता है और कुछ लोगों में जियो नहीं अच्छा चलता है कुछ मोबाइल में दोस्तों। तो क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से दिक्कत है दोस्तों? जैसे अगर यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखें तो बहुत स्लो चलता है या बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो कैसे क्या करें? तो दोस्तों कुछ ही सेटिंग करनी होती है, एक दो सेटिंग नॉर्मली होती है जो मतलब कुछ फ़ोन में मतलब पहले से सेटिंग हुई रहती है, कुछ में करनी पड़ती है। तो वही सेटिंग कर देंगे तो आपका नेट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों जिस हिसाब से जैसे आपका पहले जो नेटवर्क मिलता रहेगा, जो स्पीड मिलती रहेगी, उससे कई गुना बेहतर स्पीड हो जाएगी दोस्तों, बिल्कुल बगल वाले की तरह हो जाएगी। और आपकी स्पीड और जो YouTube वीडियो वगैरह देखेंगे स्पीड इतनी अच्छी मिलेगी, उससे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, मैं दोनों सेटिंग बताऊंगा आपको। वीडियो थोड़ी सी भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों दो सेटिंग बस नॉर्मली करना है, उसके बाद मैं बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो आइए चलिए कमाल की वीडियो आगे की तरफ बढ़ाते हैं। और दोस्तों जियो के नेटवर्क से हम लोग छुटकारा पाते हैं, आइए चलिए। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे नए मेहमान हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर की बटन है इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और दोस्तों सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो साइड में बेल आइकन है इसको जरूर दबा दीजिए, इससे क्या होगा आपको समय समय से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हमारी सारी वीडियो पर। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सिंपल है दोस्तों, आपको जाना होगा यहाँ पर सेटिंग वाले आइकन पर, सेटिंग वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। और सिंपल है यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क इस नाम से जो ऑप्शन है उसी पे क्लिक करना होगा। तो मेरा रेडमी का फ़ोन है एमआई का, तो मेरे में ऊपर है। अगर आपको ओप्पो वीवो या सैमसंग होगा तो दोस्तों यहाँ नीचे मिलेगा आपका सेटिंग, जहाँ पर भी मिले मतलब इसी में जाना है, मोबाइल नेटवर्क वाले पोर्सन में जाना है। अगर ना सेटिंग मिले तो यहाँ पर ऊपर सर्च का आइकन रहता है, इसमें सिंपल है आपको वो सेटिंग लिख देंगे मोबाइल नेटवर्क तो मिल जाएगी आपको। ऐसे जो हम लिख के यहाँ सर्च करेंगे तो यहीं आपको डायरेक्टली सेटिंग पर लेके चला जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर हम सर्च करते हैं, देख लीजिए यहाँ से मोबाइल नेटवर्क दूसरे नंबर पर आ गया है, सिंपल है। ऐसे आप उसी पे चले जाएगा, तो यहाँ से जब इस पर क्लिक करेंगे तो सिंपल है इस तरह से कुछ आइकन आएगा। तो यहाँ पे देखिए जियो वाली सिम है उस पर सेलेक्ट करना होगा, तो मैं जियो 4G यहाँ पर इस पर करता हूँ सेलेक्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम यहाँ पे तीसरे पे देख सकते हैं, इसी पे आपको क्लिक करना होगा, सिंपल है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए जो जियो नेट है, यहाँ पे इंटरनेट है जो, इस पर आपको सिंपल नीचे देखिए न्यू APN है रिसेट डिफॉल्ट, इस पर नहीं क्लिक करना है। ऊपर देख लीजिए यहाँ पे जो है जियो नेट, इस पर सिंपल है क्लिक करना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक बार और टैप कर दीजिए और यहाँ से एडिट का ऑप्शन आ जाए, इसी में कुछ एडिटिंग वगैरह आपको करनी होगी, सिर्फ दो सेटिंग करनी होगी जिससे सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे नेम में इंटरनेट है, इसको इंटरनेट ही रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे APN जो है इसको ठीक है जियो नेट है, इसको जियो नेट ही रहने दीजिए। नीचे आइए, सबसे नीचे चले आइए, जो मेन है दोस्तों यहाँ पे सर्वर, इसमें आ जाइए, नॉट सेट है, इसको लिखिए www.google.com, इसको लिखकर ओके कर दीजिए, सेव कर दीजिए, ठीक। उसके बाद और नीचे आइए, यहाँ पे MCC जो है इसको 405 ही रहने दीजिए, और MNC जो है इसको 871 है, इसको यही रहने दीजिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे APN टाइप तो ठीक है, इसको डिफ़ॉल्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे सबसे मेन यहाँ पे देख लीजिए APN प्रोटोकॉल, ठीक, जिस पर ध्यान रखिएगा यही रहना चाहिए IPv4 और यहाँ पे /IPv6, इसको जिस पर रहने देना है, पहले से रहता है, ठीक। तो सेटिंग करना कहाँ करना है आपको, वेरियर यहाँ पे देख लीजिए, वेरियर दूसरी जो सेटिंग है इस पर करना होता है। यहाँ पे क्या है, अनसब्सक्राइब्ड है, ठीक है, इसको क्या करना होगा, LTE कर दीजिए, सिंपल है ऐसे LTE, ठीक। यहाँ पे इसको हटा दीजिए, पहला हटा के दूसरा वाला चेक मार्क करके ओके कर दीजिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आइए MVNO टाइप, NON है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको हो सकता नहीं है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये जो है इसको भी ऐसे रहने देना है, ठीक, बस दो ही सेटिंग करना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे NON हो गया, अब ऊपर एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे www.google.com सर्वर पे दे दिए हैं कि नहीं, हाँ तो दे दिए हैं। अब नीचे यहाँ पे मोर का आइकन है, ठीक, मोर पे क्लिक करके सिंपल इसको सेव कर दीजिए, ठीक, सेव हो गया कुछ इस तरह से, ठीक। उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद अपना मोबाइल दोस्तों आप एक दो मिनट के लिए शट डाउन करना होगा, स्विच ऑफ कर जी ही ओपन करेंगे तो पहले से काफ़ी अच्छी बेहतरीन नेटवर्क आपको मिलेगी। जैसा मैंने अपना अभी फ़ोन तो आपने किया है, बट आप अपना फ़ोन ऑफ करके ऑन करके चेक करिएगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई प्रॉब्लम आए। तो दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, बाय।